नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त जो आप सामने ये गाड़ी देख रहे हैं, अखिल भारतीय जत्था की गाड़ी है ये। जिस तरीके से NEP लागू किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार विश्वविद्यालयों से आवाज़ें उठ रही हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय और खासकर JNU से जो छात्र आ रहे हैं, वो यहाँ आज विश्वविद्यालय पर एक प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते यहाँ जत्था मौजूद है। और उसी जत्था के चलते हुए यहाँ पर जो अभी आपसे हम मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे कि अभी जानते ही नहीं से कि क्या कुछ है अखिल भारतीय जत्था में। तो सर, क्या सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनित डेंटा है, मैं SFI का अखिल भारतीय सह सचिव हूँ। तो सर, ये अभी जत्था का नाम दिया है, ये जत्था मतलब किस किस तरीके से काम करेगा? और मैं कुछ यहाँ पर राज्य भी देख रही हूँ कि अलग अलग राज्य लिखे गए हैं, तो मतलब ये अलग अलग राज्यों में भी जाकर के जागरूक करेंगे क्या विश्वविद्यालयों में? देखिए, SFI की केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर हमने 1 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक एक मतलब एक अभियान लिया है, जिसके तहत 5 जत्थे हमारे देश के अलग अलग कोनों में निकल रहे हैं। और इन 5 जत्थों के में जो पहले दिन हमारे जो जत्थे शुरू हुए थे, वो एक कश्मीर से, दूसरा देश के दूसरे कोने कन्याकुमारी से शुरू हुआ था। इस जत्थे का जो हमने स्लोगन दिया है, वो दिया है शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ। इस वक्त जो नई शिक्षा नीति गैर लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार लेकर आई है और जबरन जो हिंदुस्तान के ऊपर थोपी गई है, और उस नई शिक्षा नीति के अंदर मतलब कुल मिलाकर ये साफ तौर पर झलकता है नई शिक्षा नीति के तहत कि आने वाले वक्त के अंदर शिक्षा जो है वो कुछ लोगों का विशेष अधिकार बन के रह जाएगा, जिसका पैसा होगा वही केवल शिक्षा ले पाएगा। तो इसके खिलाफ ये प्रोग्राम हमने लिया है। देश में अलग अलग 5 जत्थे घूम रहे हैं। ये जो जत्था आज दिल्ली पहुँचा है, ये उत्तरी भारत का जत्था है। ये 26 अगस्त को हिमाचल से शुरू हुआ, उसके बाद पंजाब से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद आज दिल्ली है, और इसके बाद राजस्थान में जाकर 15 तारीख को सीकर में ये जत्था खत्म होगा। और इस जत्थे के माध्यम से हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और छात्रों को जागरूक भी कर रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाकर, और साथ साथ जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि इस लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, अगर ये नई शिक्षा नीति लागू हो जाती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा तबका जो है शिक्षा से महरूम हो जाएगा, शिक्षा उसके लिए दूर की कौड़ी बन जाएगी। तो इस लड़ाई में जो है आम जनता को, आम जनमानस को हम इकट्ठा होने की अपील कर रहे हैं और एक निर्णायक लड़ाई आने वाले वक्त के अंदर लड़ेंगे। हम देख रहे हैं ये काफ़ी टाइम से NEP को लेकर जो छात्र जुट रहे हैं बार बार, लेकिन बहुत कम संख्या में छात्र जुट रहे हैं। क्या कुछ ही छात्रों के लिए NEP लाया जा रहा है, या वाकई में जो छात्र और जो हैं जो इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, वो वाकई में मान चुके हैं कि भाई नई नीति जो है काफ़ी अच्छी है? नहीं, ऐसा नहीं है कि छात्र हार मान चुके हैं या नीति को मान चुके हैं। विद्रोह है छात्रों के अंदर, उसी के तहत ये हम आयोजन कर रहे हैं ना, कि हम जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति लाई कब गई, अगर छात्रों के अंदर इसका विरोध नहीं होता या इसके अंदर कुछ गलत नहीं होता, तो इस तरह से गुपचुप और बिना सदन के पटल पर लाए जो है इसको लागू किया जा रहा है। मंत्रिमंडल ने जो है इसके ऊपर सहमति बनाई और लागू किया गया, सदन में इसके ऊपर चर्चा नहीं की गई। तो मतलब इस देश का जो हुक्मरान है वो डरपोक है, उसका इतिहास डरपोकों का रहा है, वो माफ़ी मांगने वाले लोगों का इतिहास रहा है, वो जानता है कि इस देश का जो छात्र है वो पेशे से जो है विद्रोही है। उसने CA NRC के अंदर अपनी बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई थी, सरकार को बैकफुट पे डाला था। किसान आंदोलन के अंदर उसकी भूमिका जो है बहुत शानदार थी। उसके बाद फी मस्ट फॉल का जो आंदोलन दिल्ली के अंदर चल रहा था 2018 में, उसके अंदर भी उसकी भूमिका बहुत शानदार रही है। तो वो जानते हैं कि वो छात्र इसके खिलाफ लड़ेगा, उठेगा और बोलेगा, इसलिए जो है गुपचुप तरीके से जब पूरे कैंपस बंद थे, आप देखेंगे लॉकडाउन के चलते शिक्षण संस्थान तो सबसे लास्ट में खोले गए, बाजार पहले खोले गए या और चीज़ें पहले खोली गई, पर शिक्षण संस्थान सबसे लास्ट में खोले गए। और ऐसा नहीं है कि छात्रों के अंदर विरोध नहीं है, छात्र अभी थोड़ा मतलब हम ये बोल सकते हैं कि कैंपस अभी पूरे तरीके से चले नहीं। अभी आप देखिए एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, एग्जाम का प्रोसेस चल रहा है, और आने वाला जो सत्र होगा उस सत्र के अंदर एक बड़ा विरोध जो है शिक्षा नीति के खिलाफ होगा। और आप देखते जाइए, ये लड़ाई सिर्फ एक दिन की या चंद दिनों की लड़ाई नहीं है कि हम इसको चंद दिनों में जीत जाएंगे। शिक्षा को बचाने की, संविधान को बचाने की और देश को बचाने की ये जो लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है, और इस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम तब तक लड़ेंगे जब तक इसमें जीत हासिल नहीं। विश्वविद्यालय में एक इतना बड़ा तबका जो है बुद्धिजीवियों का आता है, मैं प्रोफेसर्स की बात करूंगी, तो कुछ जो ऐसे गिने चुने ही प्रोफेसर्स दिखाई देते हैं जो इस जत्थे में जुड़ते हैं और जो शिक्षा नीति पे आवाज़ उठाते हैं, बाकी जो बैठे हुए हैं अध्यापक, क्या उन्होंने हार मान ली है, या फिर वो आना नहीं चाहते हैं, या फिर वो भी किसी की कठपुतली के द्वारा मतलब तहत काम कर रहे हैं? अगर आप मतलब नई शिक्षा नीति को देखने की कोशिश करेंगे तो इसका असर केवल छात्रों पर तो नहीं है, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर जो है शिक्षकों रेगुलर बेस पे भर्ती तो नहीं होगे, वो शिक्षक भर्ती होगे, आपका एडहॉक भी होगा, गेस्ट फैकल्टी के तौर पे भर्ती होगे, NAP बोल रहा है इस बात को। और दूसरा, कौन लोग भर्ती होगे, सबसे बड़ा सवाल ये भी तो है ना, और कौन लोग भर्ती हो रहे हैं आज के समय में, पिछले जब से मोदी सरकार के अंदर आई है। हमने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एग्जाम्पल देखा, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, 143 प्रोफेसर भर्ती किए गए, और जिसमें से एसोसिएट भी थे, असिस्टेंट भी और प्रोफेसर की पोस्ट थी। और हमने जब SFI की तरफ से RTI लगाई, 13,000 पन्नों की RTI हमारे पास आई, और उसको जब हमने खंगाला पड़ताला तो पता चला कि उसमें से मोर
देन 80% जो प्रोफेसर है वो योग्य नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए अपनी पोस्ट के लिए जिस पोस्ट पे बैठे हैं। तो ऐसा ही बाकी विश्वविद्यालयों में भी है। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो सरकार के पपेट है, सरकार की भाषा बोलते हैं, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है वहाँ। और बहुत सारे ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों का जितना आंदोलन है उससे ज़्यादा कहीं हम मानते हैं कि शिक्षकों का आंदोलन यहाँ पर बहुत शानदार और ज़बरदस्त है दिल्ली के अंदर। बाकी राज्यों में ऐसा नहीं है, बाकी राज्यों में जो शिक्षक चुपचाप से बैठे हैं, नहीं बोलते हैं सरकार के खिलाफ, डरते हैं सरकार से, और ऐसा माहौल बना दिया गया है कि सरकार से डरने पर मजबूर किया गया है। शिक्षक भी लड़ रहे हैं, छात्र भी लड़ रहे हैं, और धीरे धीरे जब इसके असर जो अभी दिखने शुरू हुए हैं कई जगह पर, हरियाणा में जो एक पॉलिसी लेकर सरकार आई थी कि जो 8 राज्य यूनिवर्सिटी हरियाणा की है तो वहाँ पर जो अब सरकार ग्रांट देने से मुकर गई और सरकार बोल रही है कि हम इन यूनिवर्सिटी को लोन देंगे, उसका असर हुआ, शिक्षक लड़े, गैर शिक्षक लड़े, छात्र लड़े, और सरकार को अपना ये डिसीजन कुछ टाइम के लिए बैकफुट पे जाना पड़ा। तो असर जब धीरे धीरे बढ़ेगा, इसके हमले शिक्षकों पे भी है, छात्रों पे भी है, और सभी तबकों पर इस नई शिक्षा नीति के हमले, तो निश्चित तौर पे एक बड़ा आंदोलन बनेगा। अच्छा, ये नई शिक्षा नीति में SC ST OBC वर्ग जो है वो अपने आप को कहाँ देखता है, क्या उसके लिए, मतलब उसके लिए ये शिक्षा नीति जो है लागू की जा रही है, क्या उसको एक तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है? निश्चित तौर पर, सिर्फ से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे हिमाचल का जो, सॉरी हिंदुस्तान का जो सोशल स्ट्रक्चर है, या इसमें अंदर हिमाचल का भी या पूरे देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, कि जो पैसे से वंचित लोग हैं, जिनके पास पैसा, मतलब जो हम कहते हैं कि आपका पुअर क्लास या जो गरीब लोग इस देश के हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं, उसमें ज़्यादा संख्या किसकी है? ज़्यादा संख्या तो जो क्या नाम मर्जिनलाइज लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, दलित है, आदिवासी है, उनकी ज़्यादा संख्या है ना, ठीक है। तो मतलब कि साफ तौर पे कहने का मतलब ये है कि पहले जब दौर था, जिस दौर में एकलव्य का उदाहरण हमारे पास बार बार आता है, कि कुछ चंद लोगों को जो आप बोल सकते हैं कि एक विशेष जाति से संबंध रखते थे, तो शिक्षा उनका विशेष अधिकार था। ये सरकार द्वारा वहीं पहुंचा रही है, सरकार सिर्फ से डायरेक्ट तौर पे जाति का नाम नहीं ले रही है, पर कुल मिला के कोशिश सरकार की हुई है कि विशेष अधिकार शिक्षा बन जाएगी। मतलब पैसा है तो पढ़ो, नहीं है तो आपकी मर्ज़ी, आप मजदूरी करो, आप किसानी करो, कुछ भी करो, पर पढ़ नहीं पाएंगे आप कम से कम। तो दलितों के ऊपर तो निश्चित तौर पर, दलित, पिछड़े, जितने भी समाज के अंदर मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन लोगों के ऊपर तो निश्चित तौर पर इससे हमला बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा, और ज़्यादा हमला टिका होगा। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और देखते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर एक मजबूत लड़ाई हम लड़ेंगे, इस बात की गारंटी तो हम देते हैं, और SFI का इतिहास संघर्षों का बलिदान कर रहा है। सर, आप कहाँ से आए और तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिमांशु चौहान है, मैं उत्तराखंड राज्य का राज्य सचिव हूँ SFI का। तो आप भी ये जत्थे के माध्यम से जागरूक करने का काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे कि साथी दिनी डेंटर ने बताया, ये समस्या सिर्फ दिल्ली की या कुछ राज्यों की नहीं है। जिस तरीके से NEP राज्य के, हर राज्य की स्थिति के हिसाब से लोगों को प्रभावित करेगी, छात्रों को प्रभावित करेगी। उत्तराखंड राज्य पहाड़ी राज्य है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि वहाँ अगर NEP के था है तो हम लोग देखे जाएँ, ऑनलाइन एजुकेशन को इस तरह प्रमोट कर दिया गया है, जबकि उत्तराखंड के इस तरीके के क्षेत्र हैं कि जहाँ पर लाइट और नेटवर्क का इतना इशू है कि सिंपल कॉल करने के लिए भी एक चुनिंदा जगह पर जाना पड़ता है। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव उत्तराखंड राज्य में पड़ेगा। जो स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको सेंट्रल लेवल का टेस्ट में जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ेगा। तो इस तरीके की खामियां हैं, इसीलिए हम लोग उत्तराखंड में 3 दिन का ये जत्था रहा, 1, 2 और 3 सितंबर को, उसके बाद ये UP की तरफ बढ़ा और आज हम लोग अपना इसमें भागीदारी निभा रहे हैं यहाँ दिल्ली में आकर। कहा, सरकार तो कहती है कि विश्व गुरु बन रहा है और इस विश्व गुरु में सबका साथ सबका विकास हो रहा है और सबसे ज़्यादा छात्रों का विकास किया जा रहा है। देखिए, ये लोक लुहानी जो बातें बोली जाती हैं ये सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन कितना ज़मीन स्तर पर वो होता है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जो आपको थैंक्स है कि आप इतने सारे ये जनता की जो बात है, छात्रों की जो बात है, जो लोगों के समक्ष लेके आ रहे हैं, वो कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। वो दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि एजुकेशन में इतना कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में कितना लगातार बजट कम किया जा रहा है, कितना निजीकरण किया जा रहा है, वो आपके सामने आंकड़े हैं। बजट का लगातार गिरना वो सब दिखाता है कितना आप एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं। तो मतलब शिक्षा व्यापार बना दी गई है क्या? बिल्कुल, ये तो स्पष्ट रूप से जो शिक्षा में लूट है वो निजीकरण की तरफ ले जाई जा रही है। वो जो पूंजीपति घराने हैं, क्योंकि पूंजीपतियों से चुनाव के टाइम में पैसा लिया जाता है तो उनको वापसी में कुछ देना होगा ना, तो वापसी में देने के लिए एजुकेशन सेक्टर बेच रहे हैं और ये कॉलेजों की जो सरकारी जगह हैं उनको बंद कर देंगे और ये जो बड़ी बड़ी जगह हैं उनको प्राइवेट के घराने में दे देंगे। बड़े बड़े कैंपस यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी तो जाहिर सी बात है वो किसके लिए बनेगी? जो पूंजीपति लोग हैं वही पढ़ पाएंगे। आम बच्चा तो वो स्कूल में जो पढ़ने वाला था, सरकारी संस्थान में पढ़ने वाला था, वो उससे वंचित होगा और इससे ज्यादा भुखमरी और बेरोजगारी की तरफ बढ़ेगा। तो अभी आप जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में आए, अब दिल्ली विश्वविद्यालय से कहीं और जाने का भी रुख है आपका? यस, अभी जो जत्था है अभी JNU के अंदर होगा। ये एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये कैंपस, ये जो जत्था है ये JNU के स्टूडेंट नहीं, ये DU के स्टूडेंट थे और JNU के अंदर एक शाम का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके बाद जत्था ये 5 दिन राजस्थान में रहेगा और राजस्थान में इसका, इस जत्थे का जो हमारा उत्तरी जत्था है उसका समापन किया जाएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हमने जाना किस तरीके से NEP को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे जो छात्र हैं और जो अखिल भारतीय देख सकते हैं जत्था के जो अध्यक्ष थे उनसे भी हमने बात की। तो अखिल भारतीय जत्था जो है स्वाधीनता जनवाद समान समाजवाद का काम कर रहा है और SFI के द्वारा ये अलग अलग राज्यों में जाकर के जो है छात्राओं को और छात्रों को जागरूक करने का काम कर रहा है कि किस तरीके से उनके अधिकार और हक अधिकारों को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो वही यहाँ पर अभी ये जागरूक करने का काम किया और अब ये जत्था जो है मैं आपको बता दूं कि अब ये रुक कर रहा है JNU की तरफ। JNU में भी इसी NEP को लेकर आज कार्यक्रम रखा गया है 7 बजे, ताकि वहाँ पर भी जो है छात्रों को जागरूक किया जाए और वहाँ के छात्र लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये गाड़ी जो जत्थे की जो गाड़ी है अखिल भारतीय जत्था नाम से जो गाड़ी, ये आप पूरा देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन को मैं कहूँगी दिखा दें। तो इसमें राज्य भी आप सामने देख सकते हैं, उत्तरी भारत के 26 अगस्त से 12 सितंबर तक ये जो है ये यात्रा मतलब निकाली जाएगी, करी जाएगी, शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ देश बचाओ, जिसमें हिमाचल पंजाब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हरियाणा दिल्ली राजस्थान ये ऐसे राज्य मौजूद हैं। तो उस राज्यों में जा कर के NEP के जो खिलाफ है, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति लाई जा रही है उसको उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन करेंगे और अलग अलग राज्यों में जाकर जागरूक करेंगे, जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से एक तबके को पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाए, इस तरीके की एक नीति गढ़ी गई है, उसी के चलते यहाँ पर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और अब ये जत्था JNU पहुँचेगा। तो उसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, विश्वविद्यालय दिल्ली।